आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। पामगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस मानकर बेचा भजिया। जांजगीर चांपा जिले में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस मानकर जांजगीर जिले के हर चौक चौराहों में चाय भजिया बेचकर बेरोजगारी दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में पामगढ़ अंबेडकर चौक में भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर, छाया सांसद रवि भारद्वाज, अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी की उपस्थिति में एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष निखिल दिव्य के नेतृत्व में सैकड़ों एनएसयूआई के कार्यकर्ता अंबेडकर चौक में भजिया तल कर और चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए नजर आए। और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इन्हें पद से इस्तीफा देने की मांगे की। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय दिव्य, घासीराम चौहान, बंटी थवाई, प्रदीप बनर्जी, शिखर कौशिक, योगेंद्र साहू एवं एनएसयूआई के विधानसभा कार्यकारिणी अध्यक्ष विजय यादव, ब्लॉक अध्यक्ष लिंकन रात्रे, जिला सह संयोजक कर्ण कुमार साहू, जितेश कुर्रे, प्रदीप श्रीवास सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो, गौरव राजसागर की खास रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पामगढ़ के नेतृत्व में आज मजबूर कर दिए हैं बेरोजगारों को पकौड़ा तलने के लिए। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश के, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात बड़ी बड़ी की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अब तक बेरोजगारों को, करोड़ों बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। आज पामगढ़ के धरती में बहुत से हमारे साथी भाई लोग हैं, हजारों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं, आज मजबूर कर रहे हैं पकौड़ा तलने के लिए, चाय बेचने के लिए। और देश के नरेंद्र मोदी जी 15 लाख का सूट पहन के वहाँ वही लूट रहे हैं, तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को तत्काल गद्दी छोड़ना चाहिए और यही हम सब मांग करते हैं। आज जोरदार प्रदर्शन पामगढ़ के युवाओं के साथियों में देखने को मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम छत्तीसगढ़ एनएसयूआई उनका जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हम मजबूर हैं कि हमको सड़क में आके चाय बेचना पड़ रहा है, भजिया छानना पड़ रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। तो उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो निजीकरण है वो भी बंद करें, जिसके नाम से जो रोजगार जिनको मिला है वो भी अपना रोजगार खो दे रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।